नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से एक्सेल के माध्यम से आप डेबिट एंड क्रेडिट का आप लेजर कैसे बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास भी एक अकाउंट है, खाता है, अगर आप उसमें ये चेक करना चाहते हैं कि कब हमारा क्रेडिट हुआ है, कब हमारा डेबिट हुआ है और टोटल हमारा बैलेंस कितना बच रहा है, अगर आप ये सारी स्टेटमेंट अपने मैनुअल तरीके से देखना चाहते हैं, आपको बैंक न जाना पड़े, तो ये सारे आप इजी तरीके से एक्सेल में आप लेजर बनाकर अपना देख सकते हैं। अगर आप स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो ये भी आप इजी तरीके से प्रिंट कर देख सकते हैं। तो ये सारे हमने कंप्लीट इस वीडियो में आपको कवर कर बताया हुआ है। इसमें ऐसे बहुत सारे फार्मूले भी यूज किए हैं जो कि आपको बहुत काम आने वाली है। अगर आप इजी तरीके से फार्मूले को समझ लेंगे तो आप डेबिट या क्रेडिट को इजी तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। साथ में ये भी आपको बताए हैं कि इसमें किस तरीके से डेबिट किया जाता है और किस तरीके से क्रेडिट किया जाता है और कौन सी कैटेगरी होती है डेबिट का और क्रेडिट का। जैसे क्या होता है, बहुत लोग नहीं जानते हैं कि डेबिट से क्या होता है और क्रेडिट से क्या होता है, तो ये सारे हम कंप्लीट बताएं वीडियो में। तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे इस वीडियो में तो आप हमें नीचे कमेंट करिएगा और उसके बाद अगर आपको वीडियो हेल्प लगे तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को साथ इसको शेयर करें, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। क्योंकि ये हम जो वीडियो बनाते हैं हेल्प से रिलेटेड बनाते हैं कि आपको हेल्प हो सके। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पे और आपको बताते हैं किस तरीके से लेजर बनाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक्सेल की शीट आ गई है और हमने यहाँ पहले से यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे बना के रखे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमने लिखा है बिजनेस डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट लेजर। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने सीरियल नंबर लिखे हैं, डेट लिखे हैं, डिस्क्रिप्शन लिखे हैं, डेबिट क्रेडिट एंड बैलेंस यहाँ पे लिखे हैं। उसके साथ यहाँ पे देखिए हमने सीरियल नंबर भी यहाँ पे 8 तक यहाँ पे इनपुट कर चुके हैं। अब चलिए यहाँ पे अगले ऑप्शन में आता है डेट। यहाँ पे आप कोई भी डेट यहाँ पे इजी तरीके से ले लीजिए। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं डेट 10, उसके बाद यहाँ पे लेते हैं 8, उसके बाद यहाँ पे लेते हैं 20। बस आप जैसे यहाँ पे इस अगले कॉलम में क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे जो डेट का फॉर्मेट होगा यहाँ पे बिल्कुल इजी तरीके से आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आना है प्लस वाले आइकन पे और इस तरीके से कर देना है ड्रैग एंड ड्रॉप। जैसे आप करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा डेट जो है बिल्कुल इजी तरीके से फिल हो चुका है। चलिए अब बात करते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको दो ही चीज लिख सकते हैं, एक्सपेंशन या इनकम, यानी आपका जो भी पैसा आया है या आप जो भी आप इन्वेस्ट किए हैं, तो ये दोनों आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। चलिए हम एक एक कर एंट्री करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आप डेबिट एंड क्रेडिट का लेजर बिल्कुल इजी तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम फर्स्ट में देते हैं डिस्क्रिप्शन में इनकम, यानी जो आपका इनकम है, तो यहाँ पे हम डालेंगे इनकम। इस तरीके से आपको डालना है इनकम। उसके बाद यहाँ पे आपको अगले वाले कॉलम जो डेबिट का है इसमें क्लिक करना है और इसमें आपका जो डेबिट अमाउंट आप डालना चाहते हैं इसी तरीके से डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम 4 लाख कर देते हैं, यानी 4 लाख रुपए हम यहाँ पे कर देते हैं। ये देखिए हमारा 4000 हो गया और यहाँ पे 40000 और ये हो गया आपका 4 लाख। इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रेडिट में कुछ नहीं करना है, क्योंकि जब यहाँ पे डेबिट होगा तो क्रेडिट ही नहीं होता है, क्योंकि क्रेडिट बाद में होता है जब आपका बैलेंस इजी तरीके से सब कैलकुलेट हो जाता है। अब आपको क्या करना है कि अब आना है आपको यहाँ पे बैलेंस वाले ऑप्शन में और इसमें आपको एक छोटा सा फार्मूला यूज करना है। बस आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है इक्वल और आपका जो डेबिट का यहाँ पे अमाउंट है इसको आपको कर देना है सिलेक्ट। बस इंटर हिट करेंगे तो यहाँ पे जो आपका डेबिट का बैलेंस होगा बिल्कुल इजी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अगले ऑप्शन में आना है डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं एक्सपेंस, यहाँ पे जो भी आपका खर्चे हैं आप इसके बारे में यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सपेंस। इस तरीके से आप एक्सपेंस लिखने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे इजी तरीके से आपको आना है यहाँ पे डेबिट वाले नहीं बल्कि क्रेडिट वाले ऑप्शन में आना है, क्योंकि हमारा यहाँ पे डेबिट हो चुका है। अब आना है क्रेडिट वाले में। क्रेडिट वाले में आप जितना क्रेडिट करना चाहते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे करते हैं 2 लाख रुपए यहाँ पे हम क्रेडिट करते हैं। ये देखिए हमारा 2 लाख क्रेडिट हो गया।
उसके बाद इसको बाहर इस वाले बैलेंस वाले में क्लिक करेंगे और इसमें भी एक फार्मूला लगाएंगे बहुत इजी सा, तभी इन दोनों का जो डिफरेंट है पता चलेगा। इसमें आपको क्या करना है, सबसे देना है पहले इक्वल, और इक्वल देने के बाद आपको क्या करना है कि नॉर्मल तरीके से पहले आपका ये जो बैलेंस है इसको कर लेना है सिलेक्ट, यानी जो आपका बैलेंस है। उसके बाद बैलेंस सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे लगाना है प्लस का साइन। उसके बाद प्लस का साइन लगाने के बाद आपको ये जो डेबिट वाला यहाँ पे रो दिख रहा है इसमें आपको करना है क्लिक, और इसमें क्लिक करने के बाद फिर आपको लगाना है माइनस, और माइनस लगाने के बाद आपको लगाना है क्रेडिट वाला ऑप्शन, और जैसे आप इंटर हिट करेंगे तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका बैलेंस जो है यहाँ पे 2,00,000 रुपये आ गया है। इस तरीके से हम फार्मूला लगाएंगे। अब चलिए आपको क्या करना है कि ये जो यहाँ पे आया बैलेंस शीट इसको आप इस तरीके से ड्रैग कर दीजिए, इस तरीके से ये दोनों सेम रहेगा, लेकिन आप जैसे इन सब में अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे यहाँ पे सारे चेंजेस होते रहेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगले ऑप्शन में आते हैं, यहाँ पे हम और एक तरीके से ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे इनकम ले लेते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं यहाँ पे इनकम। उसके बाद इनकम में हम दे देते हैं जैसे मान लीजिए यहाँ पे 20,000 रुपये हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे बाहर क्लिक करेंगे ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। उसके बाद फिर से यहाँ पे अगले कॉलम में लेते हैं, यहाँ पे भी एक बार और इनकम यहाँ पे इनपुट कर लेते हैं, यहाँ से जैसे यहाँ पे हम एक बार और इनपुट कर लेते हैं इनकम, और यहाँ पे कर देते हैं 50,000 रुपये। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हम बाहर क्लिक करेंगे ये देखिए अपडेट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक एक्सपेंस यहाँ पे हम लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमने एक्सपेंस ले लिया, और एक्सपेंस में भी यहाँ पे हम चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सपेंस मान लीजिए हम जो एक्सपेंस यानी क्रेडिट जो हमारा है यहाँ पे हम कर देते हैं 1,50,000 का यहाँ पे हम क्रेडिट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1,00,000 जैसे 50,000 का क्रेडिट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक ये जितने हैं यहाँ पे धीरे धीरे चेंजेस होते जा रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे एक बार और एक्सपेंस ले लेते हैं, और फिर यहाँ पे कर लेते हैं 50,000, या यहाँ पे कर लेते हैं 70,000 रुपये यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए जितने यहाँ पे दे रहे हैं धीरे धीरे अपडेट हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लास्ट में आता है एक और यहाँ पे ले लेते हैं इनकम का, यहाँ पे देखिए हमारा इनकम हो गया, और यहाँ पे ले लेते हैं 2,000 रुपये। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं बाहर क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे भी एक एक्सपेंसर यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे हम एक्सपेंस ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे भी हम कुछ वैल्यू दे देते हैं, जैसे यहाँ पे हम कर देते हैं 30,000 रुपये। आप देख सकते हैं 30,000 यहाँ पे हो गया। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ये देखिए आपका यहाँ पे आ गया बिल्कुल ये तरीके से जो आपका डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट है। अब इसको हम थोड़ा से और अच्छे से समझने के लिए, इसको टोटल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो ये तीनों रो दिए इनको इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आपको मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप किसी अदर टैब में हैं जैसे मान लीजिए आप इंसर्ट में हैं या पेज लेआउट में हैं, तो आपको जाना है होम में, और यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा मर्ज एंड सेंटर, इस पर आपको कर देना है क्लिक। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि इसमें डबल क्लिक करना है, और यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल अमाउंट, यानी इसमें आपको क्या करना है कि जो भी आपका टोटल अमाउंट इसमें टाइप करना है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं टोटल अमाउंट। उसके बाद टोटल अमाउंट करने के बाद इसको थोड़ा सा हम हाईलाइटेड कर देते हैं यहाँ से क्लिक कर। उसके बाद यहाँ पे आपको आना है डेबिट वाले ऑप्शन में, और डेबिट वाले ऑप्शन में आना है यहाँ पे आपको ये जितने डेबिट हैं इन सबको जोड़ना है। तो उसके लिए आपको एक फार्मूला का यूज होगा, यहाँ पे आपको लगाना है इक्वल, और यहाँ पे लेना है सम। सम लेने के बाद आपको ओपन ब्रैकेट करना है, और इन सबको इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है, और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर आप इंटर कर देंगे तो आपका यहाँ पे टोटल जो अमाउंट है बिल्कुल ईजी तरीके से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको फिर से आना है क्रेडिट वाले ऑप्शन में, बस आपको यहीं से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है, आपका यहाँ पे क्रेडिट वाला भी आ जाएगा। अब यहाँ पे आता है आपका एक लास्ट में जो आपका टोटल बैलेंस है, इसका अगर देखना चाहते हैं तो आप किस तरीके से देख सकते हैं। इसके लिए बस आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक फार्मूला यूज करना है, छोटा सा लिखना है इक्वल, और इक्वल लिखने के बाद आपको सबसे पहले जो डेबिट का अमाउंट है इसको क्लिक करना है, और माइनस का चिन्ह लगाना है, और उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट का ऑप्शन लेकर बस आप इंटर कर देंगे तो यहाँ पे आपका जो भी बैलेंस मेन रहेगा यहाँ पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये आपका मेन बैलेंस है। उसके बाद इतना करने के बाद इसको थोड़ा से हम बोल्ड कर देते हैं जिसे थोड़ा से हाईलाइटेड दिखे। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि इन सारे को इस तरीके से आपको कर लेना है सिलेक्ट,
और सिलेक्ट करने के बाद आपको देखिए जाना है, अगर आप इंसर्ट मेनू में या होम मेनू में, तो आपको जाना है नंबर वाले ऑप्शन में और इस पर आपको कर देना है क्लिक। जो नंबर फॉर्मेट है आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको नंबर का फॉर्मेट आ जाएगा, और उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे नंबर वाले ऑप्शन में, और नंबर वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे डेसिमल प्लेस में 2 लिखना है, और यहाँ पे देखिए लिखा है यूज यहाँ पे 100 स्प्रेटर, इस पर आपको कर देना है क्लिक। और इस पर क्लिक करने के बाद आप जैसे यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका स्प्रेटर लग गया है और साथ में यहाँ पे 2 डेसिमल वैल्यू भी लग गई है साथ में। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो आपका अमाउंट है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे शो होने लगता है। तो देखिए बिल्कुल इजी तरीके से हमारा बिजनेस डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट लेजर बन गया। तो इस तरीके से आप किसी भी एक तरीके से कंपनी हो या आप नॉर्मल यूज करते हो अपना डेटा को मैनेज करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से भी एक्सेल के माध्यम से आप डेटा को बना सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और इसको अपने दोस्तों को भेजें, हो सकता है इनसे उनको लाभ मिल सके। तो वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।